सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सुरुचिस किचन को और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आप देख पाए मेरी वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल मखानी की रेसिपी और मैं इसे बहुत इजी वे में बनाना बताऊंगी, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम बना लेते हैं झटपट से दाल मखानी। दाल मखानी बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम साबुत उड़द दाल, 25 ग्राम राजमा। इस दोनों को मैंने रात भर पानी में भिगो के रख दिया था और अभी सुबह इसका पानी निकाल दिया है। एक कप टमाटर की प्यूरी, दो प्याज बारीक कटा, एक बड़े चम्मच तेल, दो बड़े चम्मच क्रीम, दो बड़े चम्मच बटर, एक हरी मिर्च बारीक कटी, दो बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, नमक। अब मैंने राजमा और दाल को कुकर में डाल दिया है, तो मैं इसमें दो कप पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इसका ढक्कन लगा के इसे 3 सीटी हाई फ्लेम पे और 2 सीटी मीडियम फ्लेम पे आने तक कुक करेंगे। उसके बाद गैस ऑफ करके कुकर को ठंडा होने देंगे। अब कुकर ठंडा हो गया था तो मैंने ढक्कन ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं हमारा दाल अच्छे से कुक हो गया है। आप इसे एक स्पून की हेल्प से हल्का सा मैश कर लें। आप चाहें तो पोटैटो मैशर की हेल्प से भी इसे मैश कर सकते हैं, या अगर आपको स्मूथ दाल चाहिए तो आप इसे मिक्सी में डाल के हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। तुम्हारा दाल अब अच्छे से तैयार है, तुम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब दाल मखानी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में एक बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है, तो हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच बटर। बटर को लो फ्लेम पे मेल्ट करेंगे। बटर के मेल्ट होने पे हम इस पे लहसुन अदरक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे हल्का सा फ्राई करेंगे। अब लहसुन अदरक को 1 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे प्याज और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और इसे भी मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे प्याज को 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। अब प्याज को मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है, तो हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे मसाले को 30 से 40 सेकेंड कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट को फ्राई करेंगे। अब टमाटर को भी मैंने 3 से 4 मिनट कुक कर लिया। आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया, तो हम इसमें डालेंगे बॉयल की हुई दाल और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटर के साथ। मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसे 2 मिनट इसी तरह पहले कुक होने देंगे। अब दाल को 2 मिनट कुक करने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले अभी हम 2 ही कप पानी डाल रहे हैं, बाद में अगर आपको लगे कि ग्रेवी हल्की थिक है, आपको दाल हल्की पतली चाहिए, तो आप इसमें बाद में हल्का गर्म पानी मिला सकते हैं, बट अभी हम इसे 2 कप पानी के साथ ही कुक करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। आप बीच बीच में इसे 1-2 बार चला भी लीजिएगा। तो हम इसे ढक देते हैं। अब 10 मिनट हो गए हैं, तो हम ढक्कन खोल के दाल को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को लो करके इसमें 2 चम्मच क्रीम डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और नमक को भी एक बार दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फिर हम इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे इसे दाल को 2 से 3 मिनट बिना ढके कुक करेंगे। अब 3 मिनट के बाद हम दाल को एक बार फिर से मिक्स करेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच बटर और इसे भी दाल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारी दाल बनके तैयार है। अब दाल मखानी को सर्व करते टाइम हम इस पे ऊपर से हल्की क्रीम डाल देंगे और धनिया भी लगा देंगे, जिससे ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगा। लीजिए तैयार है बनके माई रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखानी। तो लीजिए तैयार है बनके माई दाल मखानी। अगर आपको दाल मखानी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आपने मेरी वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू। मिलती हूँ मैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरी और वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दी गई लिंक पर